नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू पीएससी काउंसलिंग का समय चल रहा है और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि पूरा एडमिशन ही बदल चुका है, पूरा प्रोसेस बदल गया है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मैं ये पूरे स्टूडेंट तक बात पहुंचाऊं कैसे। यूट्यूब अच्छा माध्यम है, लेकिन प्लीज आप ये बात उन तक जरूर पहुंचाओ। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचोगे कि इतनी ज्यादा कैसे बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप पूरी कहानी सुनो समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको क्या लगता था कि बीएचयू में आप अपना फाइनली सीओटी पीजी के थ्रू काउंसलिंग करते थे और एक कट ऑफ आती थी, उस कट ऑफ में आपका नाम होता या रोल नंबर होता था, आप उस मिनट में आते थे, आपको पेमेंट लिंक मिलता, आप पेमेंट कर देते। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है, कोई कट ऑफ जैसी चीज नहीं आने वाली है। तो होने क्या वाला है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मे भी ऐसा होता है ना, मुझे रात को 11 बजे वीडियो देना पड़ता है, मुझे कल सुबह 9 बजे ही वीडियो देना होता है, या कल मुझे दोपहर में ही वीडियो देना होता है। मतलब मुझे लगातार वीडियो देने की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेंगे वैसे वैसे मुझे वीडियो देना पड़ेगा। कारण ये है कि कल से फाइनली आपका कोर्स एलोकेशन स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात समझ गए, ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, सबसे पहले बताया, शायद किसी चैनल पर चर्चा नहीं हो रही होगी। फाइनली 11 तारीख से आपका कोर्स एलोकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस बात की सियोरिटी नहीं दे सकता कि किस कोर्स का आएगा। मैक्सिमम चांसेस है जिसमें सीटें कम है और जिसमें एप्लीकेंट्स कम है उनके आने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे कोर्सेज के भी कट ऑफ आ जाए, यानी कि कोर्स एलोकेशन आ जाए, लेकिन इस कोर्स एलोकेशन को एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है वो बदला है। बड़ा बदलाव बोला ना, बड़ा बदलाव क्या है, इसको समझते हैं, बहुत ही आराम समझते हैं प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप थोड़ी भी गलती कर जाओ। प्लीज ये कोई व्यू वाली बात ही नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा अथॉरिटिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहां मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो, आपके फायदे के लिए। अभी बात ध्यान से सुनो, कल 11 बजे दोपहर से, कल 11 तारीख को दोपहर से आपके पोर्टल पे, जो आपका पोर्टल है सामर्थ्य का पोर्टल है, जहां पे मैं चेक करने का प्रोसेस बता चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना कैसे चेक करना है। वहां पे एक आपके पास कोर्स एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, कोर्स एक्सेप्ट करने का। जैसे कि आपने उनके यहां अप्लाई किया हुआ है, आप उस मेरिट में आ रहे हो, तो आपके पास एक आइकन आएगा कि हां आप इस कोर्स को एक्सेप्ट करते हो। जैसे आप उस कोर्स को एक्सेप्ट करते हो, वो एक मैसेज जो है एडमिशन कमेटी के पास चला जाएगा कि ये बच्चा जो है इस कोर्स को एक्सेप्ट कर चुका है। मेरी बात समझे, अब उस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये डेली से हो रहा है, डेली से कोर्स एलोकेशन आपके सीधे पोर्टल पे आ रहा है। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, देखो ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्लीज हर कोई हर किसी तक वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले कि कोर्स एलोकेशन आया तो मिस हो जाए, क्योंकि इस कोर्स एलोकेशन को जो एक्सेप्ट करने का समय लिमिट रखा गया है, टाइम लिमिट रखी गई है, वो रखी गई है 48 घंटे। यानी कल का जो बच्चा है 11 तारीख को जिसको कोर्स एलोकेशन आएगा, वो 12 और 13 तक अपने पास होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 48 घंटे का मैक्सिमम लिमिट रखी गई है कोर्स एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हो, वेरिफिकेशन टाइप का मैसेज चला जाता है, आपके जो भी डिपार्टमेंट है रिलेटेड डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा, फिर से आपको एक पेमेंट लिंक मिलेगा, पेमेंट जनरेट किया हुआ पेमेंट करने के लिए, और आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, फाइनली यू विल गेट अ फाइनल एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन, यानी आपका एडमिशन तब हो जाएगा। मेरी बात समझे, मैं कैसे बोला, मैं बोला कि आपके पोर्टल पे कल से, अब सबका एक साथ नहीं आएगा, इसलिए बोला सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिसका जिसका आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैं तो यहां तक कोशिश कर रहा हूं जानने का कि प्लीज मुझे ये भी पता चल सके कि किन किन बच्चों का गया है, कितने बच्चों का गया है, कितने नंबर तक गया है, मैं तो यहां तक जानने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे थोड़ा भी लिंक मिलेगा ऐसा कुछ, तो मैं आपको जरूर इंफॉर्म करूंगा कि दोस्तों देखो इस नंबर तक कोर्स एलोकेशन जो है वो आपके पोर्टल पे गया है, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। और आप अगर 48 घंटे में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी सीट जो है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को चली जाएगी, और फिर उसके यहां कोर्स एलोकेशन शो करेगा, और जैसे एक्सेप्ट करेगा उसको पेमेंट लिंक चली जाएगी, और पेमेंट लिंक जब आपको दिया जाएगा तो उसको भी पेमेंट करने का आपको समय मिलेगा, लगभग 12 घंटे से आसपास मिलेगा, उसकी सियोरिटी में नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि लगभग 12 घंटे से कम नहीं मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो बच्चा भी कोर्स एक्सेप्ट कर रहा है वो अपने पोर्टल को फिर चेक करता रहे, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए प्रोफेसर के पास लगभग 2 घंटे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 2 दिन तक होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम उसके पास भी एक लिमिट रखी गई है। और वो जैसे ही पोर्टल वेरीफाई करके आपको पेमेंट लिंक देगा, आप पेमेंट कर दोगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है सबसे बड़ा बदलाव है भाई, इस बार कोई इस तरीके से यहाँ के लोगों को भी नहीं पता चलेगा कट ऑफ जो है, पूरा सामर्थ डेली से काट रहा है,
सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो कि कल के मेरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही कोर्स लोकेशन स्टार्ट होगा फिर से इन्फॉर्म करूंगा। गाइस जाकर चेक करो अपना पोर्टल और अपना कोर्स एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और आप फिर फाइनली पेमेंट पा जाओगे। ये पूरा प्रोसेस और पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉन्टेक्ट करना काउंसलिंग वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि घर बैठे आपका पेमेंट कर देगा। उस पर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे 100-150 रुपए वो आपसे ले लेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।